नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में, जिसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है। क्या कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को फिल करें, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में ये फार्मासिस्ट का वैकेंसी आया है। देख लेते हैं क्या कुछ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो पेज नंबर 10 पर जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ फार्मासिस्ट पोस्ट के बारे में बताया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी के कैंडिडेट एलिजिबल है। आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। किसी भी स्टेट का स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या फिर अगर किसी कैंडिडेट ने बी फार्मेसी यानी बैचलर इन फार्मेसी किया है, उसके लिए भी ये फॉर्म है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के साथ एक और एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि आपके पास एटलीस्ट 4 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन वहीं बैचलर इन फार्मेसी कैंडिडेट की बात करें तो इनके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के कैंडिडेट यहां पर एलिजिबल है। यहां आप देख सकते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या 200 बेडेड हॉस्पिटल में आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डी फार्मा के केस में 4 साल, बी फार्मा के केस में 2 साल। एज लिमिट यहां 50 साल तक रखा गया है और जो सैलरी है वो मिनिमम वेजेस दिया जाएगा आपको जो दिल्ली में फार्मासिस्ट को मिलता है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट है यहाँ फार्मासिस्ट की। अब हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करें। तो दोस्तों ये जो पोस्ट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल या आउटसोर्स बेसिस पर ये पोस्ट रहने वाला है और इसको आप आईसीएसआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर कैरियर सेक्शन में जाके इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है वो 27 फरवरी 2024 यानी 27/2/2024 को इसका फॉर्म ओपन होगा आईसीएसआईएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, और क्लोजिंग टाइम जो है वो 29 फरवरी 2024 यानी 29/2/2024 को इसका लास्ट डेट है। यानी कि सिर्फ 2 दिन आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये जो आउटसोर्सिंग बेसिस है ये है इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका आउटसोर्सिंग बेसिस पे आपको राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जॉब मिलेगा। ये आप देख सकते हो जो आईसीएसआईएल है वो ज्वाइंट वेंचर है टीसीआईएल का, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के एक ज्वाइंट एंटरप्राइजेस है। यहाँ आप देख सकते हो करंट ओपनिंग में फार्मासिस्ट का ओपनिंग है ऑन प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। यहाँ आप देखोगे 27/2/2024 इसका ओपनिंग डेट है और 29/2/2024 इसका लास्ट डेट रखा गया है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे 27 तारीख को, तो आप यहाँ पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर देकर साइन अप करना है। देन एक यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा, उसके थ्रू आपको लॉग इन करके अपना सारा पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना है। तो आप देखेंगे कि क्या कुछ है इसका फॉर्म का फीस क्या है। तो फॉर्म का फीस अभी आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। आप सिंपली हाउ टू अप्लाई फॉर करेंट जॉब में जाकर आईसीएसआईएल के वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हो। जब आपको जॉब मिल जाएगी यानी अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा, देन आपसे ₹1000 जो कि नॉन रिफंडेबल है वो लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 1000 शैल बी चार्ज एट द टाइम ऑफ फाइनल ज्वाइनिंग फ्रॉम दोज कैंडिडेट हु विल बी इशूड अपॉइंटमेंट लेटर एंड कम फॉर ज्वाइनिंग। तो ऐसे स्टूडेंट से या ऐसे कैंडिडेट से पैसे लिए जाएंगे जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, उनसे ₹1000 लिए जाएंगे। और जब जब भी आपका इंटरव्यू होगा या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस टाइम में आपको सारा कुछ अपना डेट ऑफ बर्थ और जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट हैं वो सब कुछ ले जाना है। तो आपके पास अच्छा मौका है दोस्तों। यहाँ डी फार्मा और बी फार्मा दोनों के कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। 2 पोस्ट है और जो सैलरी है इसका 38,400 के आसपास जहां तक लग रहा है इसका सैलरी हो सकता है, क्योंकि ये अंदाजा है, अभी मैं श्योर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये इतना सैलरी हो सकता है। यहाँ आप देख सकते हो इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया लिमिटेड के सर्कुलर और नोटिस में जाना है, देन आपको या कैरियर ऑप्शन में जाना है, देन करेंट जॉब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ सेकेंड पर ही है जॉब आई डी 150 फार्मासिस्ट प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल आउटसोर्स बेसिस। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह के फार्मासिस्ट वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।